नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इन दिनों शहरों में फाइब्रिक केबल बिछाने से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों में रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि पेयजल कनेक्शन इससे टूट रहे हैं, जिससे लगातार घरों में पानी की व्यवस्था भी ठप हो रही है और यही कारण है कि इसके चलते लोगों में रोष देखने को मिला है। पल पल सिरसा से खास रिपोर्ट। दरअसल निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा फाइबर केबल डालने से और उनके कर्मचारियों द्वारा खोदे गए गड्ढों से लोग परेशान हैं। इससे कई घरों की पानी की व्यवस्था ठप हो चुकी है, यानी पेयजल कनेक्शन टूट गए हैं। वहीं पेयजल कनेक्शन टूटने से पिछले कई दिनों से घरों में पानी नहीं आ पा रहा। कर्मचारियों ने केबल डालने के बाद न तो गड्ढों को भरा है और न ही कोई और व्यवस्था की है, जिसके कारण यह हमेशा हादसों का भी भय बना रहता है। इतना ही नहीं, कॉलोनी के लोगों का कहना है कि अभी कुछ समय पहले ही कॉलोनी में इंटरलॉक की नई सड़कें बनाई गई हैं, गलियां पूरी तरह से दुरुस्त की गई हैं, लेकिन फैब्रिक केबल बिछाने से और इनके कर्मचारियों द्वारा खोदे गए गड्ढों से गलियों को नुकसान हो रहा है। गड्ढे खोदे जाने के कारण कई जगह पर पानी भर गया, जिससे पानी के कनेक्शन भी टूट गए हैं। बरसात का गंदा पानी नलों में जा रहा है। पिछले कई दिनों से लीकेज न मिलने के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। इतना ही नहीं, हर समय ये गड्ढे हादसों का शिकार होने पर एक दूसरे को भयभीत करते रहते हैं। केबल डालने के बाद न तो कर्मचारी इन गड्ढों को भरने के लिए आते हैं और न ही इन्हें भरने की कोई मंशा दिखाई देती है। वहीं पेयजल लीकेज होने के कारण उसमें दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। अगर इसका समय पर समाधान नहीं किया गया है तो कॉलोनी का लोग इनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इसके लिए कई मौजूद लोगों ने पब्लिक हेल्थ विभाग को भी सूचना दी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई और किसी की भी नहीं सुन रहा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी आयुष शर्मा है और मैं रिलायंस जियो में इंजीनियर हूँ। ओके, रिलायंस जियो का ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये रिलायंस जियो का जियो गीगा फाइबर का प्रोजेक्ट है, जो हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी का। ओके, ये हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है यहाँ पे। ओके, और हम लोग जो है मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, SGD का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये जो मशीन आपके पीछे दिख रही है आपको, ठीक है, ये SGD मशीन है। ओके, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इसमें जो है मतलब सड़क को पूरा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड टू एंड काम होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता इससे। इसमें जो है नुकसान नहीं होता ज़्यादा। ओके, और जो बात रही अंडरग्राउंड की, जैसे अंडरग्राउंड में पाइपलाइन है, सीवरेज पाइपलाइन वगैरह, उस सब का हमने जो है सब सरफेस यूटिलिटी इंजीनियरिंग का हमने एक सर्वे कराया हुआ है, जिसमें क्या है कि अंडरग्राउंड जितनी भी यूटिलिटीज़ की पाइप्स हैं वो सब मैपिंग कराया हुआ है हमने पहले, तो हमें एक एक चीज़ का पता है कि अंडरग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा पॉइंट कहाँ रखना है, कौन सा चैम्बर कहाँ पे है, कौन सी पाइपलाइन कहाँ पे है, वाटर पाइपलाइन कहाँ है, सीवेज पाइपलाइन कहाँ पे है, सब चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम पूरा प्लानिंग के साथ और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसमें और हम जहाँ कहीं भी, जैसे हमने यहाँ पे एक किट लगाया आपके सामने, हमारा जब काम कम्प्लीट हो जाएगा, हम इसको जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जो है जैसा है ये, इससे भी बल्कि बढ़िया तरीके से इसको रिपेयर करें। ठीक है, ये सब हमारी कमिटमेंट्स हैं म्युनिसिपल कमेटी के साथ। okay. और बकायदा हम लोगों ने परमिशन ली है, DC साहब की परमिशन है हमारे पास। ठीक है, और ये टेंडर कब से कब तक का है जो कंपनी की? ये टेंडर कब से कब का नहीं होता, ये किलोमीटर के हिसाब से होता है। ओके, भाई इतना अपना एक डिजायर्ड मतलब नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम तो होगा कि भाई इतना समय से लेकर के और इतने समय के बीच में इसको तैयार। सर, टाइम पीरियड कैसा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी हो। अब जितना जल्दी हो सकता है हम लोग को उतना जल्दी करने की कोशिश, बट ये टाइम बाउंड नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, जितना जल्दी कंपनी काम खत्म करेगी उतना जल्दी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ कॉलोनी के लोगों का भी आरोप है कि ये अभी नई गली बनी है और इसे दोबारा तैयार हुई नहीं है, उससे पहले ही तोड़ा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए कि ये क्या कारण है कि पहले ये चीज़ें क्यों नहीं बनाई गई और अब बनाने का क्या कारण है? सर, देखिए, मैं तो उस चीज़ में कुछ बोल नहीं सकता, ना मैं उस चीज़ के लौटता जी। हमें जिस समय परमिशन मिलेगी हम लोग उसी समय काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं। हाँ हाँ, जब मेरे पास परमिशन आएगी, किसी चीज़ की अथॉरिटी मेरे पास आएगी, मैं तभी उस काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। विदाउट परमिशन मैं भी नहीं कर सकता हूँ।
ठीक है, पहले हमारे पास परमिशन नहीं थी, परमिशन आई है तो हमने काम स्टार्ट। नहीं, आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे तो यही आपका मानना है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो पहला था जो यहाँ पर जो इस तरह से गली बनी है उसी तरह से बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं गली वालों को और जो यहाँ के लोग हैं उनको शंका है कि ये इससे जो है गली डैमेज हो जाएगी, तो उसमें तो थोड़ा बता सकते हैं कि हाँ क्या रहेगा। शंका है तो हम लोग पीछे भी काम करके हैं और हमने हिसार में भी हमारा काम चल रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट आधे हिसार में काम कर चुके हैं, पूरे हरियाणा में सब जगह काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने सिरसा में भी स्टार्ट किया जी। तो मेरा कमिटमेंट है कि हम लोग जैसा हम लोग आपका गली पहले था जैसा मतलब है हम लोग वैसा ही इसको रिपेयर करके देंगे एज इट इज। शुक्रिया। ये कमिटमेंट भी है म्यूनसिपल कमेटी में और काउंसिल में जो है हम लोग की कमिटमेंट है कि अदरवाइज हम लोग की बैंक गारंटी जमा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो है खाली परमिशन ले लिया और आ गया, बकायदा इन चीज़ों की फीस लगती है, बैंक गारंटीज लगती हैं, वो सब चीज़ें हैं, सरकार को सब कुछ चीज़ हमने पहले पे किया हुआ है जी, उसके बाद ही हम लोग कोई काम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जी। शुक्रिया जी। सर क्या नाम है आपका? मैं रमेश गोयल एडवोकेट जी, आरएसडी कॉलोनी जी। ये जो गली की जिस समस्या के लिए आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर जो है ये गली पाइपलाइन बिछाई जा रही है या फैब्रिक जो वायर है वो बिछाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि ये गली पहले जो है अभी ताज़ा बनी है, तो ये समस्या क्या है? ये गली असल में 25 मई को खोदी गई जी और अभी सितंबर के 15 सितंबर के बाद बनी है, और अभी कल से ये कुछ लोग गड्ढा लगाकर उसमें पाइप डाल रहे हैं जिनके पास परमिशन मई 2021 की है जी। और अभी इतने महीने के बाद जबकि गलियां ये गली खुद ही रही है तभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, और पूरा शहर जी जो अभी 3-4 महीने में सब गलियां बनी हैं और ये कहते हैं पूरा शहर में ऐसा डालेंगे, वाईफाई कनेक्शन देंगे, वह हर आदमी को तो वाईफाई कनेक्शन की जरूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो वो उसको प्रोवाइड करें जी। लेकिन ये पूरे शहर को खोज रहे हैं जबकि सैकड़ों करोड़ रुपए गलियों पे लगे हैं और वो सारा इस तरह से वेस्ट कर देंगे लोगों की सुविधा के लिए, जो गलियां पहले ढंग से नहीं बनी हुई और ये रही सही कसर और पूरी कर देंगे, इस पर प्रशासन को तुरंत रोक लगानी चाहिए जी। लेकिन ये अभी कंपनी के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास परमिशन जो है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, समय की बाउंडेशन नहीं है, तो हम इसको लंबे समय तक कर सकते हैं और हमारे पास पूरा मैपिंग है और किस तरह से कहां से इसको जो है खोदना है और हम जैसा पहले थी गली वैसे ही बनाएंगे, तो उसमें क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं त्रुटि आएगी इसमें? इसके पास जो परमिशन है वो मई 2021 की है, ये ठीक है उसमें कोई समय नहीं लिखा हुआ, लेकिन हर बात का कोई मतलब होता है, हमें इसी बात की वो है कि ये गली पहले लगभग 4 महीने में बनी है और इसको ये खोद करके और इस तरह से लेवल वो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बीच बीच में से गड्ढे मार के जो है जब ईंटें लगाएंगे तो उसका लेवल सही नहीं हो सकता, फिर उसमें कहीं ना कहीं जब बरसात आएगी तो वो नीचे बैठेगी और उसमें लोगों को समस्या होगी, तो ये सरकार को जब भी ये परमिशन दें उसके लिए एक तो इन्हें टाइम पास करना चाहिए और दूसरे जब गलियां बन रही हैं जब नगर परिषद को पता है मई के लगभग ही वो टेंडर हुए हैं सब जगह जी, वो अप्रैल मई में टेंडर हुए हैं और उसके बाद वो इनको परमिशन दे रही है, तो उसका नगर परिषद के जो अधिकारी हैं ये उनकी लापरवाही और जिसके कारण पूरा शहर परेशान हो। कोई शिकायत इसके बारे में दी गई है प्रशासन को या नगर परिषद को? नगर परिषद के ये वो फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, आमतौर पे जब भी वो लोग फ़ोन करते हैं फ़ोन पिक ही नहीं होता है जी, और इस विषय में अभी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से हम प्रशासन तक की बात पहुँचाना चाह रहे हैं जी। यही कहना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश गोयल है जी। सर ये जो गली की समस्या है क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? ऐसे जी अभी इन्होंने पाइप डाली है खोज के नीचे, इनको कुछ नहीं पता वो पाइप कहाँ जा रही है, किसी का सीवर कनेक्शन ये ब्रेक कर देंगे, किसी की पाइपलाइन तोड़ देंगे, अंदर के अंदर पानी रिश्ता रहेगा, जब समस्या आएगी तब पता लगेगा कि ये सीवर की लाइन तोड़ के जी पानी की तोड़ के। लेकिन लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास नगर परिषद से लेकर के परमिशन नहीं, परमिशन नहीं,
वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास नक्शे हैं, मैपिंग है पूरा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर रखना है। नक्शा देखा जी कल, उसमें कहीं कोई कॉलोनी का नाम, कहीं कोई सड़क का नाम कुछ नहीं है। प्लेन नक्शा ले रखा है पूरे शहर का, उसके हिसाब से खोदे जा रहे, अपने हिसाब से निशान लगा रखे हैं। या तो नगर पालिका के दिखाएं हमें भी, हमने आरसीडी कॉलोनी की परमिशन दी है, फलानी जगह की परमिशन दी है। आप एक परमिशन लेके सारा शहर खोदोगे, इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर परमिशन तो है ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले भी अखबार में एक न्यूज पढ़ी थी मैंने, उनकी गली का सारा उन्होंने खोद दिया, पाइप की पानी की लाइन भी तोड़ दी, सीवर की लाइन भी तोड़ दी, सारी गली खोद के रख दी। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया नगर परिषद ने उसके ऊपर जी। और ऐसा यहाँ चल रहा है, तोड़ के चले जाएंगे, बाद में किसी का नुकसान होगा तब पता लगेगा, और फिर पूरी गली खोदनी पड़ेगी। ऑलरेडी इतना 4 महीने तक गली खुदी रही, तब तो नहीं डालने आए पाइप, जबकि इनका काम चल रहा था शहर के अंदर। नगर परिषद को चाहिए भी जो गली खुद रही है उसी टाइम इनको बुलाएं और अपना पाइप डलवा लें, ताकि किसी कोई परेशानी ना हो। कोई अभी कोई हाल ही में कोई शिकायत वगैरह हुई है? शिकायत हमने कल किया था, गोल साहब ने फोन किया था। ओके। नगर परिषद किसी ने फोन ही नहीं उठाया। ठीक है, उनको बुलाया गया मौके पे, आके देखो मौका, पर कोई मौके पे होता ही नहीं।